गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप? चलो करते हैं दिन की शुरुआत स्वीटी के साथ। तो मैं उठ चुकी हूँ, शावर भी ले आई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, परफ्यूम वगैरह लगाई हुई है। क्या हो गया है मेरे कैमरे को? जब पीछे से किसी की कॉल आ जाती है, जब किसी का मैसेज आ जाता है ना, तो स्क्रीन हो जाती है थोड़ी सी ख़राब। तो चलिए, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, कैसा निकलता है आज का दिन? अच्छा ही होगा, अच्छा ही निकलेगा। और क्या करते हैं, करना क्या होता है, वही होता है, किचन बाहर, किचन बाहर। तो मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े बनाऊँगी। और मैगी के पापा आज घर पे हैं, तो आज हम पकौड़े खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद अपना कोई ज़्यादा से ज़्यादा, जब दोपहर का टाइम हो जाएगा, तो बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ जाते हैं, और बाहर से ही खाना खा के आएंगे। आज मेरी किचन की छुट्टी है, मगर अभी पकौड़े वगैरह बनाने हैं, पकौड़े वगैरह खाएंगे चाय के साथ, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है घूमने के लिए। कहीं मॉल वगैरह पर, कहीं ऐसी वैसी जगह पर नहीं जाना, वैसे थोड़ा सा बाहर घूमने जाना है। एक किसी के घर भी जाना है, तो वहाँ तो पता नहीं वीडियो बन पाएगी कि नहीं पाएगी। फिर अगर बाहर जाएं तो मैं तो खाना फिर घर आके नहीं बनाती, फिर बाहर का ही खाना होता है ज़्यादातर, वही देखते हैं कहाँ जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दूध पी रहा है, साथ में अपने पप्पी को भी रखा हुआ है। पप्पी को देना कि नहीं देना? आए 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 मुझे है ना महाराज, ना कोई पढ़ना इस चीकू ने, ना तो कोई पढ़ना ना कुछ लिखना, बस खा लो पी लो, मोई मस्ती मार लो, कभी पापा की गोदी पे चढ़ जाओ, कभी मम्मा की गोदी पे चढ़ जाओ, कभी दीदी की गोदी पे चढ़ जाओ, वैसे मुझे नो, नो। ये ज्यादा नहीं बैठता ना, इसे 2 मिनट बाद कहता है कि अच्छा मेरे को आपने प्यार किया है, अब मेरा इस रिवॉर्ड दो मेरे को। हाँ कि दे दो मेरे को, क्या लेना, की चाहिए, बोल की चाहिए, बोल भाई, जी 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 मैं नौकर लग गया, मैंने काम भी करना और कोई नहीं। मैगी कैसे पूछते, मैगी क्या खा रही है? बेगल कॉफी। गुड, इधर के बच्चे बस यही कुछ खाते हैं, बेगल बुगल, इन्हों को ये ज्यादा चीजें अच्छी लगती है। हम लोगों को अच्छी लगती है समोसे, भटूरे, कुलचे, ये नहीं लाइक करते, ये लाइक करते हैं बेगल विद क्रीम चीज। चलो खा लो। मैं बनाने लगी हूँ आलू और गोभी के पकौड़े, साथ में बैंगन के पकौड़े, माई फेवरेट, दोनों फेवरेट हैं, आलू गोभी और बैंगन के पकौड़े। प्याज नहीं डालने वाली आज मैं तो, और हरी मिर्ची डाली है, सारा कुछ मसाले डाले हैं। तो एक तरफ मैं चाय रखूँगी, तो एक तरफ पकौड़े बनाऊँगी। आइए आप भी खाइए स्वीटी के साथ पकौड़े। मैगी रखने लगी इधर की तरफ चाय, इधर बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। आइए और खाइए पकौड़े, आलू गोभी के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े। मैंने आलू बॉईल करके रख दिए हैं, क्योंकि आलू के परांठे तो खाने खाने हैं, पकौड़े खा लिए हैं, मगर मैगी पकौड़े कम खाती है, तो आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। परांठे बन जाने हैं आलू के परांठे।
बस आलू बॉईल कर लिए हैं। आलू बॉईल करके मैंने रख दिए हैं फ्रिज में, क्योंकि थोड़े से ठंडे हो जाए ना तो फिर आलू के परौंठे बहुत अच्छे पकते हैं। और ये मैंने धनिया साफ़ कर लिया, धनिया ज़रूर डालना है आलू के परौंठे में, धनिया के बिना आलू के परौंठे टेस्टी नहीं बनते। घर की सफाई चल रही है, चूही ढूंढी जा रही है, ये देखो कितनी सफाई चल रही है। इधर मैगी और मैगी के पापा उधर सारी सफाई कर रहे हैं और चूही ढूंढ रहे हैं, मगर चूही मिल नहीं रही। कितने दिनों से हमको चूही ने तंग किया है, उसकी पोटी दिखाई दे रही है। और इधर चीकू देखो क्या कर रहा है, चीकू क्या चुरा के लेके आया है, चीकू लेके आया अपना कोई टॉय चुरा के। ये मैगी ने उसको ऐसे ढक के रखा हो बंद करके। मेरा चल रहा है किचन में काम, ये करते हैं अपनी साफ सफाई करो करो। लीजिए मैं बनाने लगी हूँ परौंठे। एक मैंने बेल लिया है, एक और बेलना है। मैं डबल वाले बनाती हूँ, मैगी जो बनाती है ना वो बनाती हूँ, वो एक में भर के बना लेती है, मगर मैंने कभी एक में वाले में ट्राई भी नहीं किया। वो हर बार कहती है मम्मी देखो मैं बनाने लगी हूँ आप भी ऐसे बनाना, मगर नहीं मैं ऐसे बनाती हूँ। ये मैंने ऐसे दो रोटी कर लेनी है, जितनी ज़्यादा पतली होगी ना उतने परौंठे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसमें मैंने डाला आलू, हरी मिर्ची, हरा धनिया, आमचूर और काली मिर्च पीसी हुई, बस और कुछ नहीं डाला, प्याज भी नहीं डाला। तो इसको मैंने ऐसे पील लेना और इसमें हल्का सा ऑयल लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं लाइट सा। मैं जो परौंठे बनाती देसी घी में नहीं बनाती आलू वाले, मेरे को ऑलिव ऑयल में टेस्टी लगता है ज़्यादा। आलू मैं खूब डालती हूँ, कोई कंजूसी नहीं करती, अगर आलू वाले परौंठे खाने हैं तो कंजूसी किस बात की। ये लग गए आलू, और भी भर सकती हूँ, कोई नहीं फटता। ये रखी उसके ऊपर रोटी से, इसे बस कॉर्नर पे कच्चे नहीं रहने चाहिए, मतलब कॉर्नर पे भी आलू जाने चाहिए। प्रेस कर देती हूँ, थोड़ा सा डालूंगी धूड़ा और ये देखना इधर से ज़्यादा कच्चे ना रहे बाद में। ये कई बार होता है कि साइडों पे आलू नहीं गए होते, उसको थोड़ा सा आगे कर देना ताकि आलू मिले। इसको मैगी और मैगी के पापा दोनों सफाई पे लगे हुए हैं। मन क्या करो करो सफाई, चूही ढूंढो, चूही नहीं अभी तक नहीं मिली चूही। हर बार जब इसके पापा कर रहे होते हैं चूही ढूंढते हैं, मगर चूही नहीं मिलती। चूही की ना पोटियां मिल जाती हैं, तो छोटे छोटे ब्रेक ब्रेक से दिखा दूंगी आपको चूही की पोटियां कैसी होती हैं। बस ऐसे सीधा उठाना, उठा के तवे पे डाल देना। और तवा रखा है, गरम कर लिया है, इस पे थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लेना, ना ऑयल लगाएंगे ना तो फिर फर्स्ट परौंठा है कि पहला परौंठा है वो चिपक जाना है। देखो मेरा परौंठा पतला है, मोटा नहीं है। अगर पतला परौंठा बनाओ ना तभी टेस्ट आता है, उसमें आलू का टेस्ट आना चाहिए और वो पतला। दो पेड़े जो लेने हैं छोटे छोटे पतले पतले ही लेने हैं। अभी इनको भी बोल देती हूँ कि हाथ धो लो, तो गर्मा गर्मा परौंठे आ रहे हैं और चूही आपको ना मिलनी है ना ही मिलेगी। पता नहीं वो हीट वाले में पता नहीं चले जाते, हीट वाला भी खोल के देख लिया है, हीट वाले में भी कुछ नहीं है, यहाँ से हीट चलती है वहाँ भी नहीं है। इसका मतलब कहाँ देखती है चूही इसको। देखा अगर मैं इसके नीचे ऑयल ना लगाती ना तो ये चिपक जाना था। हैंड वॉश कराओ, गर्मा गर्म आलू के परौंठे दही के साथ आ रहे हैं। और गैस को ज्यादा फ्लेम को तेज नहीं करना, हल्का हल्का।
चलाना नहीं है, बस राड़ राड़ के मैंने परोठे बना देने हैं। आइए और आप भी खाइए मैगी के, सॉरी मैगी कहने लगी, स्वीटी के हाथ हो गए गर्मा गर्म आलू के परोंठे। लीजिए परोंठा इज रेडी, बिल्कुल जलाना नहीं है, ऐसा बनाना है कि खाने वाले को मज़ा आ जाए। और साथ में लेना है दही और परोंठा उठाया, और साथ में लीजिए बटर। आइए आप भी खाइए स्वीटी के हाथ का आलू का परांठा। मैं देखे आई जी, मैं आपको दिखाती हूँ सेटिंग क्या चेंज की है अभी इन्होंने, अभी तक भी काफ़ी करने वाला है, पूरी अच्छी तरह नीट एंड क्लीन नहीं किया, यहाँ पे चीकू का लगा दिया गया है बेड। पहले यहाँ पे वो वाली कैबिनेट थी ना, वो दो जो पड़ी हुई थी जिसमें चीकू का सारा सामान होता है, तो ये वाला बेड चीकू का पहले उधर की तरफ था, उधर की तरफ ना, लाइट नहीं, लाइट लगाऊँ मैं पहले। हाँ चीकू का पहले यहाँ पे दो कैबिनेट पड़ी होती थी ना, तो वो दो कैबिनेट जो थी वो वहाँ पीछे को कर दी, उसमें सारा चीकू का सामान है, इन दोनों में चीकू का सामान होता है, चीकू की खाने वाली कोई ट्रीट वगैरह जो भी है, उसके कपड़े वगैरह सारे इन दोनों कैबिनेट में होते हैं, तो ये उधर की तरफ कर दी, और इसमें भी चीकू का सामान होता है, चीकू का ब्लैंकेट चद्दरें वगैरह, ये चीकू का बेड है, ये चीकू का ही ये बेड है, और चीकू की ही वो दो जो कैबिनेट पड़ी हुई है वो है, ये चेंज कर दिया इसको, तो अब चीकू यहाँ बैठा करेगा और इसका सामान उधर की तरफ होगा। चूही ढूंढी, बहुत ढूंढी नहीं मिली, फिर भी हमको चूही नहीं मिली, पता नहीं कहाँ है चूही का, वो आपको मैंने पहले आपको मैंने दिखाया था ना कि चूही का जो वो कहाँ से वो होल सा बना हुआ है जहाँ से वो चूही निकलती है, उसको भी हम बंद कर चुके हैं, मगर फिर भी चूही कहाँ से आ रही है कुछ नहीं पता है। और सोफ़े में जो ये सोफ़े हैं, सोफ़ों में भी वैक्यूम डाल के देखा है, ये वैक्यूम पड़ा हुआ है, वो चीकू की लॉन्ड्री करवाने वाली और निकाली है आज, उसकी लॉन्ड्री करवानी है। ये मेरा साइकिल है, ये मैं साइकिल जब जाती हूँ ना पार्क जाती हूँ तब साइकिल लेके जाती हूँ चलाने के लिए, तो मैगी भी चलाती, मैं भी चलाती, उसके पापा भी चलाते हैं, तो ये चीकू की लॉन्ड्री करवाने वाली पड़ी हुई है, ये वैक्यूम लेके हमने चीकू के पापा ने इन सोफ़ों के बीच में भी, इन सोफ़ों के बीच बीच में लगा के वैक्यूम से मतलब ढूंढा है, काफ़ी सर्च किया है कि चूही कहीं इधर उधर तो नहीं, मगर यहाँ पे चूही का कोई काम नहीं है, यहाँ पे चूही वगैरह नहीं मिली, और चूही का भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो अभी इतनी सेटिंग चेंज हुई है, टेबल अभी थोड़ा सा साफ़ करने वाला, क्लीन करने वाला है, मतलब डस्टिंग वगैरह करने वाली है, सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग वगैरह इन्होंने चेंज की है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए निकल पड़े हैं बाहर की तरफ हम, बारिश हो रही है, बाहर मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, अभी तक पत्ते नहीं आए मैंने कहा था बस एक हफ्ते में आ जाने हैं मैंने ऐसे भविष्यवाणी की थी कि वन वीक नहीं, मैंने कहा था 20 दिन में, तो अब दिन का कौन सा हो गया, वीक निकल के गया, अभी तो दिन पड़े हैं, 20 दिन में तो आ जाने हैं, नहीं हूँ मैं कह रही ना आगे वाले 20 दिन में आ जाने हैं, अगर नहीं आए तो पंडित जी खुद लगाएंगे जाके ये बैठी हुई है मैं की पीछे। हाय हाय बाय। चलिए फिर अब हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं चिपोटले, पार्किंग कर लें, अब हम जा रहे हैं चिपोटले के अंदर खाने, देखते हैं क्या क्या खाना है, ये फिर चलते हैं चिपोटले के अंदर। मैगी देखो आगे, Yeah.
थोड़ा सा ना वो है क्या कहते हैं उसको नहीं है पूरे ऐसे क्रंची होने चाहिए ना वैसे नहीं चिपोटले अच्छा है आउटिंग के लिए खाने के लिए बट ये चीज नहीं उनके पास वो उनके पास है डॉक्टर और ज्यादा सॉल्टी है मेरे को टैको बेल से कंपैरिजन करना हो ना अभी हम चिपोटले का तो चिपोटले बेस्ट चिपोटले बेस्ट बस उसके ये नाचो अच्छे नहीं हां चिपोटले के नाचो मेरे को ठीक लगते हैं हां वही और जो टैको के है ना मगर चिपोटले का जो बुरीटो है ना चिपोटले के अंदर सब चीज अच्छी होती है टेस्टी होती है चलिए फिर आज के ब्लॉग का यही पे एंड करते हैं तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना तो मिलते हैं आपको कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों तो चलिए बाय बी हैप्पी ऑलवेज बी हैप्पी बाय सब्सक्राइब ज़रूर करना ना सब्सक्राइब जरूर करना बाय बाय बी हैप्पी ऑलवेज बी हैप्पी खुश रहिए।